की भाई हमारे साथ हो गया बहुत तगड़ा सीन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 4800। अरे भाई 21,000, 28,000 का गैस, 16,500 का गैस भाई। मजाक कर रहा है क्या साथ में हमारे? हेलो दोस्तों, भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मेरे साथ है भाई शोभित। हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? तो भाई आपने ना आई होप मेरी ना शिफ्टिंग वाली वीडियो तो देख ही ली होगी। तो यार भाई ऑलमोस्ट हमारा हमने ना शिफ्ट कर दिया था, लेकिन आज ना 2 हफ्ते हो गए हैं। और क्या सीन है कि ना मेरा ना बहुत सारा सामान रह गया था, ठीक है? तो वो जो सामान रह गया ना उसमें ना फ्रिज और वैक्यूम क्लीनर, 2-3 चीजें हैं जो ना मैं सोच रहा हूँ यार बेच देता हूँ, क्योंकि वहां जा लेकर जाने की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ना उसको देखते हैं यार, सेकंड हैंड शॉप पे लेकर जाता हूँ और देखता हूँ कि ना उसके पैसे कितने मिलते हैं। देखते हैं भाई मिल जाते हैं। बाकी एक बार लेकर चलते हैं और फिर उसके बाद ही पता चलेगा यार क्या सीन है। तो बने रहो भाई साथ में, देखते रहना भाई लास्ट तक वीडियो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, ठीक है भाई? तो लास्ट तक देखना भाई वीडियो को। तो भाई मैं हूँ अभी ना अपने घर पे, पुराने वाले घर पे, और इधर देखो कितना सामान अभी ना पेंडिंग है। ये सारा सामान यार उस दिन ना सारा जा नहीं पाया, जितना चले गया था हम ले गए थे एक बारी में ना। तो अभी ना मैं क्या सोच रहा हूँ कि ना क्या क्या बेच देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो यार ये वाला वैक्यूम क्लीनर अगर बिकेगा तो भाई बेच देंगे, ठीक है? और उसके अलावा ना यहाँ पे ये फ्रिज कैसा लग रहा भाई देख के बताओ एक बारी। बढ़िया ना, बिल्कुल नया फ्रिज था यार, लेकिन अब बेचना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं भाई वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज था उस वाले घर पे और सब कुछ था, तो वहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं आई। तो क्या करते हैं यार इस वाले फ्रिज को और इस वाली ना वैक्यूम क्लीनर को, इन दो चीज़ों को लेके जाते हैं सेकेंड हैंड शॉप पे और ना ट्राई करते हैं यार बेच सके तो, क्योंकि यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है। और बाकी सारा सामान ना जैसे ये चेयर्स हो गई और ये टेबल हो गई, ये तो ना मैं देने वाला हूँ। बाकी पहले जो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो पहले ना फ्रिज और वैक्यूम क्लीनर दोनों लेके चलते हैं सेकेंड हैंड शॉप पे, ठीक है? चलो फिर। तो भाई पता है इधर देखो, फ्रिज ऑडी की डिक्की में भाई पूरा फिट आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई फ्रिज आ गया पूरा फिट, तो अब हम ना क्या करेंगे कि इसको लेकर जाएंगे भाई सेकेंड हैंड वाली शॉप पे और फिर ना वहाँ से देखते हैं इसका ना क्या प्राइस मिलता है। और दिखाता हूँ आपको ना सेकेंड हैंड शॉप पे भाई क्या प्राइस लगाते हैं जापान वाले बंदे और कितने का बिकता है हमारा फ्रिज। तो भाई इधर आ गए अपना फ्रिज लेके अपनी गाड़ी के अंदर और जा रहे हैं भाई। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा भाई, बारिश में यार क्या मूड खराब ही रहता नहीं यहाँ पे? बाहर का नहीं, गाड़ी में तो कोई दिक्कत है नहीं, बाहर जाके थोड़ा मन नहीं करता जाने के लिए। हाँ तो भाई यार बाहर जाके ना वैसे मतलब कि यार बारिश में ना यहाँ पे बहुत बेकार होता है यार, शूज़ पूरे गीले हो जाते हैं और मतलब बहुत बेकार मौसम रहता है यार यहाँ पे ना, हमेशा बारिश ही होती रहती है। तो यार हम ना भाई फ्रिज लेकर आ गए हैं अभी अपना और लेके जा रहे हैं सेकंड हैंड शॉप पे और उसके बाद देखते हैं फिर। भाई दुकान ठीक है जहाँ पे सेकेंड हैंड शॉप है, और अभी ना हमने ना फ्रिज रख दिया भाई अंदर और गाड़ी कर दी यहाँ पे पार्क। तो भाई देखते हैं क्या होता है। हाँ सूजी की तुम्हारे को दसा यार, ये देखो ये तो जरूर रह गई थी। तो भाई साहब ये हमने दो चीज़ें ला कर रख दी यहाँ पे। दुकान देखो यार तब तक भाई, ये पूरी ना सेकेंड हैंड शॉप है यहाँ पे भाई, सारा सेकेंड हैंड सामान मिलता है। देख रहे हो यार इतने बड़े बड़े टीवी मॉनिटर्स, आगे फ्रिज व्रिज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें यहाँ पे भाई सेकेंड हैंड होती है और काफ़ी कम रेट पे मिलती होती है।
तो यार यहाँ पे ना ऑलमोस्ट चीजें ना वैसे ना सेकंड हैंड ही होती है, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई फर्स्ट हैंड भी मिल जाए। इधर देखो यार कितने सारे कीबोर्ड्स हैं। कीबोर्ड को अगर मैं आपको प्राइस चेक करवाऊँ तो भाई 400 येन, इतने प्राइस के सारे भाई। इधर देखो भाई आयोन, इधर भाई मॉनिटर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें यार। बाकी देखते हैं अपने फ्रिज का क्या प्राइस लगाते हैं लोग। तो भाई इधर देखो ये राइस कुकर्स रखे हैं इधर, ठीक है। और भाई साहब भाई ये देखो इतनी सी फ्रिज है बस, ये यहाँ तक है। प्राइस देखो इसका 14,800। अरे भाई समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अरे भाई ये देखो अपने इंडिया की फ्रिज, ये पक्का किसी इंडियन बंदे की होगी भाई। इसका प्राइस है यहाँ पे 16,800। और ऐसी यार बहुत सारी फ्रिजेस रखी हुई है, तो मेरे को तो छोटा मोटा आइडिया तो हो गया यार कि अपनी फ्रिज का प्राइस है ना, मतलब कि ये अगर लगाएंगे तो 20,000 तक लगाएंगे। तो भाई 20,000 तक ये शायद यहाँ पे अगर रखेंगे ना मेरा फ्रिज, तो 20,000 तक ये लगाने वाले हैं उसका प्राइस। और इधर है भाई सेकेंड हैंड अपनी क्या बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर्स, तो इनका प्राइस इन्होंने लगा रखा है यहाँ पे 3,500 के आसपास सबका। हाँ मतलब कि 2,500 की भी है वैसे, तो ये 2,500 की, जैसे ये 5,000 के अराउंड की पड़ जाएगी आफ्टर टैक्स। तो यही सारी चीज़ें इधर गैसेस हैं, गैस देखो यार 20,000 के। इधर देखो 6,500 का गैस, इधर 16,000 का गैस भाई, 21,000। अच्छा ये नया है, ये भाई नया है गैस ना। इसके अलावा यार ऐसी ना यहाँ पे और भी सारी बहुत सारी बहुत बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें रखी हुई है। इधर देखो यार इधर है भाई अपने फ्रिज, और भाई क्या भाई फ्रिज भाई शोभित पूछ रहा है बिग गया फ्रिज, और मैं क्या बताऊं भाई शोभित को कि भाई 500 येन दे रहे सिर्फ। मैं 500 का तो हमने पेट्रोल लगा दियो गाड़ी में, मजाक कर रहा है क्या साथ में हमारे भाई क्या भाई यहाँ पे ये बंदे ना भाई 10,000 का अंदर बेच रहे हैं, और भाई हमें पता है कितने सिर्फ और सिर्फ 500 का दिया है, मतलब 500 येन दिए हैं। और वो भी कह रहे हैं कि ना तब देंगे जब अच्छे से चलेगा, हो सकता है कि गलते अगर हम हो सकता है फ्री भी करते हैं, मतलब कि फ्री में तुमने हमें मतलब दे दिया ये भी करते हैं। भाई क्या करूँ यार मजबूरी है भाई, चूतिया बनाया तुमको, बोल दे फ्री में रख लो भाई, हमें भी रख लो भाई साथ में, बोल दे भाई जाके यार सीन, यार फिर से सीन हो गया यार, ये नहीं सीन हो रहा है यहाँ पे भाई, चलो फिर चलते हैं भाई। क्या बताऊँ यार फिर से यार इतना मत्था खराब हो गया यार आज फिर से एक बारी, जिस दिन शोभित के साथ आता मत्था खराब होता ही होता है। क्या सीन है भाई ये, चलते हैं अपने घर, अब शैम्पू अब मिलते हैं फिर एक दो महीने बाद। सच में यार भाई बहुत महंगा फ्रिज लिया था यार, बहुत महंगा तो कुछ नहीं लिया, मुत्ता ही नहीं उठाया था। नहीं नहीं मैंने थोड़ी उठाया था किसी और ने था, लेकिन भाई जिसने भी लिया था यार वो बहुत महंगा लिया था, मेरे को तो गिफ्ट करा था भाई एक भाई ने, और क्या कर सकते भाई 500 येन का गया बस अपना फ्रिज यार। तो भाई इधर से भाई हमने सामान बेच दिया है पूरा अपना 500 रुपये में, जिसका हम भाई पेट्रोल भी नहीं भरवा सकते, पेट्रोल आएगा 500 येन का, इनको वापसी दे दो, इनको बोलो चाहिए ही नहीं यार, अभी तो दिए ही नहीं, देख आ दिए अभी 500 ना, अभी लेने भी हमें पड़ेंगे इनसे 500 भाई 500 येन लेने के लिए ना बोल रहे, एक हफ्ते बाद लेने के लिए आना। मैंने कहा भाई 500 येन ना मैं अपने घर से 700 रुपए आने का और फिर 700 रुपए जाने का लगाऊंगा, और फिर
इनके यहाँ पे 5,000 लेने के लिए आऊंगा तो भाई मैंने मना, मतलब कि मना तो नहीं करा लेकिन कर दूंगा यार, क्योंकि इससे ज्यादा ना मेरे आने जाने में पैसे लग जाएंगे। तो सही है यार, अभी फिलहाल तो इन्होंने रख लिया है भाई फ्रिज, ठीक है। तो बाकी ये कह रहे कि ना पैसे एक हफ्ते बाद देंगे, पैसे ये ना एक हफ्ते बाद देने के लिए कह रहे हैं। तो भाई चलो छोड़ो, कोई नहीं यार, आई होप आपको ना यार आइडिया हो गया होगा कि भाई सेकेंड हैंड सामान जापान के अंदर बेचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है भाई। किसी दोस्त वोस्त को दे दो, इससे बढ़िया ना फ्री में तो बेचने के लिए मतलब मत ही जाओ। वैसे सही यही है, हम यहाँ तक गाड़ी में लेके आ गए थे तो यार हमें बेचना पड़ा, लेकिन इसके अलावा यार मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बेचो। आप करोगे भाई? भाई मैं तो करूँगा, नहीं बिल्कुल भी सजेस्ट, अपने पास ही रख लो। हाँ तो भाई ठीक है यार, आपको समझ आ गया होगा भाई जापान के अंदर सेकेंड हैंड मार्केट की क्या वैल्यू है। बेच रहे 10,000 का, हमसे ले रहे 500 एन का। तो चलो यार कोई नहीं भाई, मिलते हैं आपसे ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक आप लोग मज़े और हम भी करते हैं थोड़े से मज़े। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको, तब तक बाय बाय बाय।